नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता गुरुदेव भगवान इष्ट सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो दोस्तों, आज मैं आपको मेरे वीडियो के द्वारा जीव पुत्रिका व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। जीव पुत्रिका व्रत में कथा सुनने से व्रत का संकल्प पूरा होता है। तो दोस्तों, आज मैं बताती हूँ कि ये व्रत 10 सितंबर गुरुवार के दिन पड़ रहा है, आपको कथा सुनना जरूरी हो जाता है। तो आज मैं आपको इस व्रत से जुड़ी हुई एक छोटी सी कथा आपको मेरे वीडियो के द्वारा सुनाने जा रही हूँ। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीतमूतवान था। वह बड़े ही उदार और परोपकारी थे। जीतमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको अपना राज सिंहासन संभालाया था, मतलब इनको राज सिंहासन पर बैठा दिया था, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वे राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने के लिए चले जाते हैं। वहीं पर उनका विवाह मल्यवती नामक राजकन्या से हो जाता है। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीतमूतवाहन काफी आगे चले जाते हैं, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते, मतलब रोते हुए दिखाई देती है। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नाग वंश की स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र हुआ है। पक्षी राज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा दी हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जीतमूतवाहन ने वृद्धा को आश्वस्त देते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बजाय मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वह शिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीतमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वह शिला पर लेट गए। नित्य समय पर गरुड़ देवता जी आ जाते हैं। उन लाल कपड़े में ढके जीतमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ जाते हैं। अपने चुंगल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह से हाय निकलता न देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उन्होंने जीतमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीतमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे के प्राणों की रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनके प्राण जीवन दान में लौटा दिए तथा नागों की बलि न लेने का भी उनको वरदान दे दिया। इस प्रकार जीतमूतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीतमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई और उसी दिन से माताएं बहनें जीव पुत्रिका का व्रत करती है, जिससे उनके पुत्र की सुरक्षा हो सके और उनके पुत्र पर आशीर्वाद बना रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं तथा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति खबर को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।